दोस्तों, अगर आप भी आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि कितने टाइप के बैंकों में आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन आया है, जिसमें आपका यहाँ पर 6 सबसे बड़े देश के सरकारी बैंक शामिल हैं, प्राइवेट बैंक भी इसमें हैं, आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक भी हैं, आपके यहाँ पर ग्रामीण बैंक भी हैं, कॉरपोरेटिव बैंक भी हैं और आपके यहाँ पर पेमेंट्स बैंक भी इसमें शामिल हैं। तो हम यहाँ पर सबके बारे में आज की वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन पहले हम बात करते हैं यहाँ पर प्राइवेट बैंक से शुरुआत करते हैं। लास्ट में आपको देश के 6 सबसे सरकारी बड़े जो बैंक हैं उनके बारे में बताएंगे, उनमें भी आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। प्राइवेट बैंक की बात की जाए तो पहला बैंक आपका है फेडरल बैंक, फिर इक्टॉस बैंक, फिर कोसमोस बैंक, फिर इंडसइंड बैंक, ये इतने प्राइवेट बैंक हैं जिनमें आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अब यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात की जाए तो सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अब अगर ग्रामीण बैंक की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा केरला ग्रामीण बैंक, कर्नाटका ग्रामीण बैंक, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, चैतन गोदावरी ग्रामीण बैंक, इसमें भी आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अब अगर यहाँ पर बात करेंगे कॉरपोरेटिव बैंक की तो यहाँ पर आपका आएगा राजस्थान स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक, इसमें भी आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अगर पेमेंट बैंक की तो आपका यहाँ पर है जियो पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक, इसमें भी आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े 6 सरकारी बैंक कौन से हैं, तो वो आपका है यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक, ये जो है देश के 6 सबसे बड़े सरकारी बैंक हैं, इनमें भी आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो इतने टाइप के बैंकों के बारे में आपने यहाँ पर जान लिया है, इन बैंकों में आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इनमें से अगर किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है तो तुरंत जाकर अपना आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका अकाउंट यहाँ पर एसबीआई में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है या किसी अदर बैंक में है तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि जैसे किसी बैंक में आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन आएगा तो उसके चैनल पर तुरंत ही वीडियो मिल जाएगी।